भारत में कोविड वैक्सीन संक्रमण के तेजी से बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए तीसरे कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के लिए कम पड़े वैक्सीन के स्टॉक को देखते हुए एक्सपर्ट कमेटी ने सोमवार को स्पुतनिक वी के इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर बैठक की, जिनमें इसे सहमति दे दी गई। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत जनवरी माह में हो गई और अब तक कुल 10.5 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अभी देश में 2 कोविड वैक्सीन विकसित किए गए हैं। इसमें एक कोविड शील्ड है और दूसरा कोवैक्सीन। इसके साथ ही वहीं इस साल की तीसरी तिमाही के अंत तक 5 और वैक्सीन आने की खबर है। इनमें स्पुतनिक वी बायोलॉजिकल ई द्वारा विकसित जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन, सीरम इंडिया की नोवावैक्स वैक्सीन, जायडस कैडिला वैक्सीन और भारत बायोटेक की वैक्सीन है। हाल ही में भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन के उत्पादन के लिए RDIF और हैदराबाद स्थित वीरचो बायोटेक के बीच एक समझौता किया गया। दोनों की ओर से इसे लेकर एक संयुक्त बयान में बताया गया कि 2021 की दूसरी तिमाही में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का काम पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद वैक्सीन का कमर्शियल उत्पादन शुरू हो जाएगा। बता दें कि स्पुतनिक वी 91.6% प्रभावी है। दरअसल महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई अन्य राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी है। हालांकि प्रशासन की ओर से सख्त एहतियात भरे कदम उठाए जा रहे हैं। वीकेंड लॉकडाउन से लेकर नाइट कर्फ्यू समेत अनेकों पाबंदियों की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में रविवार को 168,912 नए COVID-19 के मामले सामने आए और 904 संक्रमितों की मौत हो गई। वहीं अभी देश में कुल 12 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। Thank you.